हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रोफेसर वैभव सोलंकी फ्रॉम श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SSIT गांधीनगर। टुडे वी विल डिस्कस ऑन यूनिट 3 ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट विच नेम इज रेल ट्रांसपोर्टेशन। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 1 ऑफ यूनिट 3, रोल ऑफ इंडियन रेलवेज एंड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवेज। So, today we will discuss on this topic. So, रेल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि GTU सिलेबस क्या है, उसके हिसाब से रेल ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन से कंटेंट इंक्लूडेड है। ठीक है, सो दोस्तों, जो हमारा हाईवे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है उसमें से चैप्टर 1 यानी कि यूनिट 1, यूनिट 2 हमने जो कंप्लीट किए, जिसमें हमने कंप्लीटली इंट्रोडक्शन और हाईवे ट्रांसपोर्टेशन को कवर कर लिया है। अब हम आ रहे हैं यूनिट 3 में, जो है पूरा रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के बेस्ड। तो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में जो सिलेबस इंक्लूडेड है एज पर GTU सिलेबस, उसमें रहेगा कि रोल ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज इन अ नेशनल डेवलपमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द रेलवे अलाइनमेंट एंड फंक्शन ऑफ द परमानेंट वे, एक ये दो कंटेंट है जो इसमें इंक्लूडेड है। उसके अलावा टाइप्स ऑफ कंपोनेंट एंड फंक्शन है, जो गेज होते हैं, रेल होती है, फिटिंग होता है, ब्लास्ट है, एम्बैकमेंट है और सबग्रेड है। तो रेलवे के कंपोनेंट और उसके फंक्शन, और तीसरा है पर्पज। सो ये तीन चीजें जो है जो बेसिकली रेल ट्रांसपोर्टेशन में इंक्लूडेड है। आज हम बात करने वाले हैं रेल ट्रांसपोर्टेशन के पहले पॉइंट के बारे में, जो है रोल ऑफ इंडियन रेलवेज एंड रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे। सो सबसे पहले रेलवेज की बात करते हैं कि रेलवे वेर द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम 1815 टू 1947। हम सबको पता है कि सबसे पहले जो फर्स्ट रेलवे स्टार्ट हुई थी इंडिया में, वो थी ठाणे टू मुंबई, 32 किलोमीटर की रेलवे 1853 में स्टार्ट हुई। सो दोस्तों, रेलवे इज द फॉर्म ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। सेकंड, 90% ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर एंड गुड ट्रैफिक इज ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवेज इन इंडिया। सो द रेलवे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ऑल्सो इंडियन रेलवे सिस्टम इज द सेकंड बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड नेक्स्ट टू रशिया। सो जो हमारा रेलवे सिस्टम है और रेलवे नेटवर्क है, वो सेकंड रेलवे नेटवर्क है आफ्टर रशिया। सो रेलवेज हैव ब्रॉट अबाउट मैनी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल चेंजेस इन द लाइफ ऑफ द इंडियन पीपल। अदर थिंग्स इन द टर्म ऑफ इकोनॉमी, रेलवे प्लेड अ मेजर रोल इन इंटीग्रेटिंग मार्केट एंड इंक्रीजिंग ट्रेड। As the 20th century progressed, railway became the force for the independence and democracy. So, this is the role of Indian railways in the national development, and it's most important for Indian railways. So, हम सबको पता है कि जो हमारा road network है, जैसे मैंने बात की कि सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क है जो इंडियाज में रोल नेटवर्क है, रेल नेटवर्क है आफ्टर रशिया। सो इंडियन रेलवे इज अ बिग कंट्रीब्यूटर टू द जीडीपी ऑफ द कंट्री, की कंट्री का जो जीडीपी है उसमें उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है। दूसरा, कि मार्केट साइज और डेवलपमेंट की बात करें तो रेवेन्यू हैज इंक्रीज एट द CAGR ऑफ 5.48% ड्यूरिंग FY07 टू 79। सो ये जो रिवेन्यू है, ये जिस हिसाब से इंक्रीज हुआ है ड्यू टू रेलवेज नेटवर्क की वजह से, GDP है, ठीक है, तो ये भी इंडियन रेलवेज के थ्रू है, जो कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने इंडियन रेलवेज के बारे में बात की कि इंडियन रेलवेज बेसिकली क्या है,
और नेशनल डेवलपमेंट में उसका क्या इम्पोर्टेंस है। अब हम बेसिक नॉर्मल इम्पोर्टेंस ऑफ रेलवे की बात करते हैं कि रेलवे क्या जो क्या है और रेलवेज के इम्पोर्टेंट क्या है। सो रेलवे वॉज एन इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन लाइक कार्स टूडे। इट वॉज अ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट कि पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन है अलग से। रेलवे वॉज एन इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन बट इट वॉज अ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर कॉमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन। सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एबल टू बी कैरिड वेस्ट ग्रेन वॉज कैरिड ईस्ट सीजनल वर्कर वेर कैरिड वेस्ट टू वर्क ऑन फार्म सर्व सिटीज इन इंडस्ट्रियल क्लोज टू। सो इंडियन रेलवेज के बहुत सारे इम्पोर्टेंस हैं। सो इम्पोर्टेंस ऑफ रेलवेज की बात करें तो कहाँ कहाँ पे है कि सोर्स ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंक्रीज इन एंड नेशनल इनकम ग्रोथ ऑफ मार्केट हेल्प इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड मोबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल एंड एम्प्लॉयमेंट। सो इस हिसाब से सोशल एडवांटेज है इकोनॉमिकल एडवांटेज है और पॉलिटिकल एडवांटेज है। सो एडवांटेज ऑफ इंडियन रेलवेज अगर हम बात करें तो हम तीन चीज़ों पर बात करने वाले हैं सोशल एडवांटेज इकोनॉमिकल एडवांटेज और पॉलिटिकल एडवांटेज। ठीक है तो यहाँ पे मैंने आपको इम्पोर्टेंस ऑफ रेलवे समझाया। ठीक है अब दोस्तों हम बात करते हैं कि बेसिक रेलवे अलाइनमेंट के बारे में। ठीक है तो अलाइनमेंट को समझना कि हमारा जो रेलवे ट्रैक है उसका जो अलाइनमेंट है तो अलाइनमेंट क्या है। तो उसके पहले हम समझ लेते हैं कि ट्रैक अलाइनमेंट किसे बोलते हैं और ट्रैक अलाइनमेंट क्या है। सो बेसिकली ट्रैक अलाइनमेंट के बारे में बात करें तो द डायरेक्शन एंड पोजिशन ऑफ द सेंट्रल लाइन ऑफ द रेलवे ट्रैक। जो रेलवे ट्रैक है उसका जो सेंट्रल लाइन है उसकी डायरेक्शन और उसकी पोजिशन कहाँ पे ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड द अलाइनमेंट। सो डेफिनेशन इज द डायरेक्शन एंड पोजिशन ऑफ द सेंट्रल लाइन ऑफ द रेलवे ट्रैक ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड अलाइनमेंट। ट्रैक अलाइनमेंट मे बी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एंड वर्टिकल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इट इंक्लूड स्ट्रेट पाथ विड्थ कर्व्स हॉरिजॉन्टल डेविएशन देन बट वर्टिकल अलाइनमेंट इट इंक्लूड वर्टिकल कर्व्स एंड वर्टिकल ग्रेडियंट। सो वर्टिकल कर्व्स और वर्टिकल ग्रेडियंट वर्टिकल अलाइनमेंट में रहेगा। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इंक्लूड करेगा स्ट्रेट पाथ है विड्थ है कर्व्स है और हॉरिजॉन्टल जो भी डेविएशन है वो इसमें इंक्लूड रहेगा। सो अब बात करते हैं कि हमने जो ट्रैक अलाइनमेंट देखा वो हमको समझ में आ गया। ठीक है तो बेसिकली जो ट्रैक अलाइनमेंट है वो हम इमेज के थ्रू समझे तो रेलवे ट्रैक है या तो परमानेंट वे बोलते हैं या तो रेलवे ट्रैक बोलते हैं। तो उसका डेफिनेशन रहेगा कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रेल्स फिटेड ऑन अ स्लीपर्स एंड रेस्टिंग ऑन द ब्लास्ट एंड सबग्रेड इज कॉल्ड द रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक किसे बोलते हैं कि जो रेल है वो फिट है स्लीपर पे और जो ब्लास्टिंग है इसके आसपास जो हम एग्रीगेट कोर साइज के देखते हैं जिसे हम ब्लास्ट बोलते हैं वो जो ब्लास्टिंग एंड सबग्रेड है उसके साथ उस पर रेस्ट कर रहा है पोर्शन। ठीक है तो ये सबग्रेड ये ब्लास्ट सब ब्लास्ट और ये जो हमारा रेल पोर्शन है वो स्लीपर के साथ फिट है तो ये जो रेल ट्रैक स्लीपर के साथ फिट है और यहाँ पे रेस्ट कर रहा है विथ सबग्रेड तो इस पूरे सिस्टम को मैं रेलवे ट्रैक बोलूँगा। सो बेसिकली यहाँ पे हमने रेलवे ट्रैक समझा ट्रैक अलाइनमेंट समझा। सो अब बात करते हैं कि क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एक आइडल अलाइनमेंट के लिए। सो इकोनॉमिकल कंसिडरेशन के हिसाब से जो शॉर्टेस्ट रूट है आइडल अलाइनमेंट के लिए तो वो आइडल रहेगा। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कम रहेगा वो आइडल रहेगा और मिनिमम ऑपरेशनल एक्सपेंस रहेंगे वो आइडल रहेगा। इकोनॉमिकली देखा जाए तो ये तीन चीजें हैं और मैक्सिमम सेफ्टी एंड कंफर्ट के हिसाब से हम देखें तो द अलाइनमेंट शुड बी सच दैट इट प्रोवाइड अ मैक्सिमम सेफ्टी एंड कंफर्ट टू द ट्रैवलिंग पब्लिक। दिस कैन बी अचीव बाय द डिजाइन कर्व्स विद अ प्रॉपर ट्रांजिशन लेंथ प्रोवाइड अ वर्टिकल कर्व्स फॉर अ ग्रेडियंट एंड इनकॉर्पोरेटिंग अदर सच टेक्निकल फीचर्स। सो बेसिक रिक्वायरमेंट कंसिडरेशन ऑफ इकोनॉमिकल एंड मैक्सिमम सेफ्टी एंड कम्फर्ट के हिसाब से
बेसिक रिक्वायरमेंट रेलवेज के लिए ये होनी चाहिए, रेलवे अलाइनमेंट के लिए ये होनी चाहिए कि अलाइनमेंट शॉर्ट होना चाहिए, मेंटेनेंस कम होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट कम होना चाहिए और ऑपरेशनल कॉस्ट और ऑपरेशनल एक्सपेंस है वो मिनिमम होने चाहिए। उसके साथ सेफ्टी और कंफर्ट लेवल जो ट्रैवलिंग पब्लिक है उसके लिए कन्वीनियंट होना चाहिए और कंफर्टेबल होना चाहिए। सो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अलाइनमेंट और आइडल अलाइनमेंट, तो हम इसको पॉइंट वाइज देखें तो पर्पज ऑफ द न्यू रेलवे लाइन उस पर डिपेंड करता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल कंसिडरेशन पे भी जैसे हमने बात की, मैक्सिमम सेफ्टी और कंफर्ट पे भी जैसे हमने बात की, और एस्थेटिक कंसिडरेशन, तो इन सभी चीज़ों के लिए रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है आइडल अलाइनमेंट की। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि ये तीन चार चीज़ें आप लिख सकते हो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडल अलाइनमेंट के लिए। सो इनमें से सबसे पहले बात करते हैं पर्पज ऑफ द रेलवे न्यू रेलवे टैक्स। बेसिकली क्या है कि द अलाइनमेंट ऑफ द न्यू रेलवे ट्रैक शुड बी सर्व द बेसिक पर्पज फॉर विच द रेलवे लाइन इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। सो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो अबाउट रेलवे सर्व्स वेरी बेसिक पर्पज लाइक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स, पॉलिटिकल कंसिडरेशन, डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड एरियाज, कनेक्टिंग न्यू ट्रेड सेंटर एंड शॉर्टनिंग एग्जिस्टिंग ट्रैक। तो ये सब पर्पज है न्यू रेलवे ट्रैक लाइंस के लिए, तो वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आइडल अलाइनमेंट के लिए। दूसरा है इकोनॉमिकल कंसिडरेशन के, जैसे हमने बात की आगे स्लाइड में, ठीक है, वीडियोस में। उसके अलावा इकोनॉमिकल में हमने बात की कि रूट शॉर्टेज होना चाहिए, मेंटेनेंस और एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होना चाहिए और ऑपरेशन कॉस्ट भी कम होना चाहिए। मैक्सिमम सेफ्टी और कंफर्ट की भी बात की, ठीक है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की बात करें तो द न्यू रेलवे लाइन शुड बी फिट इन विथ द जनरल प्लानिंग एंड फॉर्म अ पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो कोई भी जनरल प्लानिंग है, डेवलपमेंट है, वो ये जो कंट्री का डेवलपमेंट है उसके साथ इंटीग्रेटेड रहना चाहिए। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट में न्यू रेलवे लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है फैक्टर, तो उसको ध्यान में रख के हमारा आइडल अलाइनमेंट होना चाहिए। और लास्ट है एस्थेटिक कंसिडरेशन। तो जो एस्थेटिक एस्पेक्ट है, बेसिकली रेलवे लाइन शुड बी गिवन अ कंसिडरेशन फॉर अ कंफर्टेबल एंड प्लीजेंट रेलवे जर्नी। सो ये सब कंसिडरेशन को ध्यान में रख के हमको हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आइडल अलाइनमेंट का उसके हिसाब से होना चाहिए। अब बात करते हैं रेलवे ट्रैक यानी कि परमानेंट वे। परमानेंट वे की मैं डेफिनेशन दू तो जैसे कि हमने आगे समझाया कि सब ग्रेड पे सब ब्लास्ट है और ब्लास्ट रेस्ट करते हैं, ठीक है, और वो रेस्ट ब्लास्ट पे हमारा जो स्लीपर है वो रहता है, ये हमने देखा है, ठीक है। और उसके साथ हमारा रेलवे ट्रैक फिट होता है जिसपे हमारा रेलवे का जो ट्रैक है उसपे ट्रेन चलने वाली। तो इस हिसाब से मैंने एक डायग्राम के साथ मैंने आपको रेलवे ट्रैक समझाया है। सो द कंपोनेंट ऑफ द परमानेंट वे और रेलवे ट्रैक है जो कंपोनेंट है वो कौन कौन से कंपोनेंट है एक परमानेंट वे के लिए। तो उसके लिए कंपोनेंट है कि रेल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रेल। दूसरा कंपोनेंट है स्लीपर। तीसरा कंपोनेंट है ब्लास्ट कि जो हम आसपास कोर्स एग्रीगेट देखते हैं। चौथा कंपोनेंट है सब ब्लास्ट और उसके बाद आता है इम्पैक्टमेंट। तो इम्पैक्टमेंट में दोनों तरफ के इम्पैक्टमेंट में सब ग्रेड आ जाता है। तो ये जो कंपोनेंट है पांच, वो चार या पांच कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है परमानेंट वे के लिए। सो कंपोनेंट ऑफ द परमानेंट वे हम क्या क्या लिस्ट आउट करेंगे, रेलवे है, स्लीपर है, ब्लास्ट है, सब ब्लास्ट है और इम्पैक्टमेंट है, ठीक है। रेलवे की खात जो हमने बात की उसमें से हम रेल की बात करें तो ये जो रेल है रेल किस हिसाब से है, तो यहाँ पे मैंने एक और डायग्राम दिया हुआ है कि रेल आर मेड ऑफ द स्टील, कि ये जो रेल है वो स्टील की बनी हुई होती है, और दे आर सुल्ड सुल्ड आई सेक्शन और दे आर रोल्ड आई सेक्शन, ठीक है। तो बेसिकली जो हम आई सेक्शन देखते हैं उसके हिसाब से वो रोल्ड होती है। सो दे आर फिक्स टू द स्लीपर
बाय द वेरियस फास्टनिंग एंड टेस्ट ऑन द स्लीपर। सो ये जो रेलवे है, रेल ट्रैक है बेसिकली कहाँ पे होती है, वो फिक्स जो स्लीपर है उसके साथ फिक्स्ड होती है। किसके साथ? कि वेरियस फास्टनिंग, अलग अलग फास्टनिंग के साथ उसको हम फिक्स करते हैं और वो यहाँ पे ब्लास्ट पे रेस्ट होती है, कि जो हमारा ब्लास्ट है उस पर उसका रेस्टिंग होता है। तो इस हिसाब से हम कंपोनेंट देखते हैं कि पूरा फॉर्मेशन विड्थ है, उसके ऊपर सब ग्रेड है, सब ग्रेड के ऊपर सब ब्लास्ट है और रेलवे ट्रैक है। तो आइनर पॉइंट है, एक रेल के दूसरे रेल तक का जो डिस्टेंस है उसको हम गेज बोलेंगे। सो इनर डिस्टेंस है दो रेल के बीच में, इसको हम गेज बोलने वाले। बट यहाँ पे रेल की बात की है तो रेल के कौन कौन से फंक्शन है? तो रेल्स क्या है कि टू प्रोवाइड अ हार्ड स्मूथ कंटिन्यूस लेवल सरफेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द ट्रेन, तो ये रेल के थ्रू होता है। टू सर्व्स अ लेटरल गाइड टू द रनिंग व्हील, की जो रनिंग व्हील है उसको हम एक लेटरल मूवमेंट और गाइड प्रोवाइड करें, तो वो भी रेलवे के थ्रू होता है। और टू ट्रांसमिट मूविंग लोड टू द स्लीपर, तो यहाँ पे जो मूविंग लोड है वो स्लीपर पे ट्रांसफर होता है। तो ये तीनों चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है जो फंक्शन ऑफ द रेलवे है। तो यहाँ पे मैंने विथ कंपोनेंट आपको कंपोनेंट ऑफ द परमानेंट वे समझाया। दूसरे जो कंपोनेंट है उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, उसके पहले मैं आपको आइडल परमानेंट वे क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कि रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडल परमानेंट वे, द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट ऑफ आइडल परमानेंट वे और अ गुड रेलवे ट्रैक। तो परमानेंट वे बोलते हैं या तो गुड रेलवे ट्रैक भी बोलते हैं। चार मेजर रिक्वायरमेंट है। पहली है कि द गोज ऑफ द परमानेंट वे शुड बी करेक्ट एंड यूनिफॉर्म, तो जो रेलवे गेज है वो कैसा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए और यूनिफॉर्म होना चाहिए। दूसरा, द रेल शुड बी इन प्रॉपर लेवल इन अ स्ट्रेट पोर्शन, कि रेल प्रॉपर लेवल पे और स्ट्रेट पोर्शन पे होनी चाहिए। प्रॉपर अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन, कि जो सुपर एलिवेशन है आइनर और आउटर एज में जो डिफरेंस होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। और सुपर एलिवेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द आउटर रेल अबोव द आइनर रेल ऑन द कर्व पोजिशन ऑफ द ट्रैक, कि जहाँ पे कर्व जाता है वहाँ पे प्रॉपर सुपर एलिवेशन होना चाहिए। ये भी परमानेंट वे के लिए रिक्वायरमेंट है। द परमानेंट वे शुड बी सफिशियंटली स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट द लेटरल फोर्स, कि जो भी लेटरल फोर्स और मूविंग फोर्स लगने वाला है उसके अगेंस्ट एक सफिशियंट होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फोर्थ मेजर रिक्वायरमेंट है आइडल परमानेंट वे के लिए, वो है द कर्व्स प्रोवाइड इन द ट्रैक शुड बी प्रॉपरली डिजाइन, कि जितने भी कर्व्स है वो प्रॉपरली डिजाइन होने चाहिए। तो ये चार मेजर आइडल रिक्वायरमेंट है परमानेंट वे के लिए। तो परमानेंट वे है बेसिकली अलाइनमेंट सर्वे रिक्वायरमेंट, गोज, ट्रैक सेक्शन, कॉनिंग ऑफ द व्हील, स्ट्रेस इन अ रेलवे ट्रैक, सिलेक्शन ऑफ रोल, टेस्ट ऑन द रेल वियर एंड डिफेक्ट, कोरोगेशन ऑफ क्रीक, रेल जॉइंट, वेल्डिंग ऑफ द पैनल्स एंड रेल टाइप्स ऑफ द फंक्शन। तो ये सब चीजों के साथ परमानेंट वे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे एक हम इमेज के साथ देखते हैं कि ये पूरा जो है उसको हम परमानेंट वे बोलने वाला है, कि यहाँ से जो अलाइनमेंट हम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हम हॉरिजॉन्टल पोर्शन दिख रहे हैं वो स्लीपर है, ये जो है वो दोनों रेल है, ठीक है। तो इसको हम रेल बोलेंगे, जो स्टील रेड है ये स्लीपर है, और ये जो आपको एग्रीगेट दिखाई दे रहा है मेजर वो ब्लास्ट है। और वो कहाँ पे रेस्ट है, तो यहाँ पे सबग्रेड पे रेस्टिंग है। तो यहाँ पे ब्लास्ट, सब ब्लास्ट, सबग्रेड, स्लीपर जो फास्टनिंग के साथ कनेक्टेड है, और ये रेल ट्रैक है। तो इसको हम बोलेंगे प्रॉपर रेल परमानेंट वे, रेलवे ट्रैक या ट्रैक अलाइनमेंट, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल हम रेलवे अलाइनमेंट और रेल ट्रांसपोर्टेशन के कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने आज रेल के बारे में डिस्कस किया, उसके अलावा और भी कंपोनेंट है उसके भी फंक्शन के बारे में डिस्कशन होगा, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।